लड़की की लास्ट लोकेशन के हिसाब से लड़की यहीं कहीं है। रुको 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 चीते बेवकूफ हो गया क्या? क्या कर रहा है? बेवकूफी नहीं संतु जी, बेवकूफी नहीं तो जेंटलमैन वाला हरकत है ना। मैं नीचे रिसेप्शन पर हूँ लड़की का, नीचे रिसेप्शन पर लड़की का बोली बोली ना कि लड़की अंदर ही है, इसलिए दरवाजा खटखटा रहे थे हम। देखिए नहीं जितने नॉक करेगा तो लड़की चौकन्ना हो जाएगी, खिड़की से भाग जाएगी, तब क्या करेंगे? मैडम सर को क्या मुंह दिखाएंगे? यही वाला मुंह दिखाएंगे संतु जी, एकदम नारियल के मलाई की तरह गोरा है, हम इसको देखें। नहीं जीते नहीं, मैं ये मुंह की बात कर रही हूँ, मैडम सर को क्या मुंह दिखाएंगे? लड़की नाक के नीचे से भाग जाएगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। सिंपल ना संतु जी, दया जिस तरह मार के लात से दरवाजा खोलता है ना, वैसे हम तोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत सोच, तू मत सोच। अंदर उसके साथ कोई और होगा तो क्या करेंगे? हाँ तो कोई और होगा तो क्या संतु जी, डरते हैं क्या हम? पुलिस वाले हैं, लेकर तुरंत थाना में जाएंगे। नहीं चीते नहीं, कुछ और सोचना होगा, मुझे सोचने दो, जो शांत रहे। संतु जी क्या करें क्या करें? संतु जी हाँ, आइडिया पिन दीजिए पिन दीजिए। वैसे सरकार ये बात बहुत अच्छी कर रही है। क्या बात है पुष्पा जी, क्या उन्होंने रिटायरमेंट का उम्र घटा दिया है क्या, 50 साल कर दिया है का? अफसोस, आपका ये सपना पूरा नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की ना, ये सरकार बहुत अच्छी बात कर रही है। 18 की उम्र में कहाँ इतनी समझदारी होती है लड़कियों में। हाँ तो ये भी किसने प्रमाण निकाला है कि जो 21 के होते हैं उनमें वो बहुत ज्ञानचंद हो जाते हैं, उनमें बहुत दिमाग आ जाता है। कई लोग तो हम देखते हैं कि आजीवन ना समझ ही रह जाते हैं। अब आप खुद को ही मतलब खुद ही देख लीजिए, कितने लोग हैं आसपास जो ना समझ है। हाँ हाँ, आप इसी बात को घुमा कर क्यों कह रही है, सीधे सीधे कहिए ना कि हम ना समझ है। अब आप खुद अपने मुँह से आकाशवाणी कर रही है तो फिर हम उसमें क्या कैसे काट सकते हैं। आप तो समझदारी की दुकान है ना, चलती फिरती, अपना तो भौकाल दिखाती रहती है, यहाँ वहाँ जाके एक टीन का डब्बा नहीं संभला जाता आपसे। क्या तुम्हारे दिमाग में चुंबक चिपक गया है क्या, जो तुमने गाड़ी यहाँ रोक दिया, हेडक्वार्टर से भी आगे है। सिविलियन नीड्स हेल्प, क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, पर जल्दी खत्म करो और चलो फिर यहाँ से। ओके हाँ जी भाई साहब, मदद का दरकार है आपको? ये मेरी बेटी की फोटो है, ये उसके होने वाले पति की फोटो है, एक महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई, कितने खुश नजर आ रहे हैं। अम्मा ये लड़का तो वही है उस भागी हुई लड़की सपना का मंगेतर। हम क्या कहते हैं, क्यों ना हम सुखीराम जी से बात करें और ये शादी कुछ मतलब कुछ ही दिनों के लिए थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहें। नहीं मतलब हमें भी सपना को ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा, फिर ढूंढेंगे उसको आराम से, है ना? हमें जब राय नहीं मांग रहे तो हमें राय मत दीजिएगा, अपना दिमाग मत चलाइए आप, और वैसे भी हमने केस सॉल्व कर लिया। मतलब कैसे? ओके, मेरा मतलब है कि कांग्रेचुलेशंस मैडम, बधाई हो। बिल्ले पेन ड्राइव, ये भी चोरी करके रखा है, ये लीजिए। बच्चा पैदा होने से पहले डायपर खरीदने का मत सोचो संतु, ये वो पेन ड्राइव है जिसमें मिलन लॉज के आसपास का सारा सीसीटीवी फुटेज है, जिसे देख कर हमें पता चल जाएगा कि सपना कब कहाँ किसके साथ भागी थी। सीसीटीवी फुटेज से तो ये पता चल जाएगा कि सपना मेरे पास है। एक काम कीजिए, अब पेन ड्राइव मुझे दे दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ हाँ, उसे दो ना।
नहीं नहीं संतोष जी, देखिए आपकी तबीयत नासाज है, आप आराम फरमाइए। अरे हम तो ठीक है ना, मेरा जी है ना, माय वुमन नंबर वन। नहीं तुम सही कह रहे हो पहले, मीरा चुटकियों में काम कर देगी, तुम रहने दो संतू, बिल्ले चलो मीरा के पास। पुष्पा जी, क्या कर रहे हो यहाँ? हम यहाँ पे देखने आए थे कि मीरा मैडम ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ हम भी वही देखने ही आए थे। मैं रोज देखता हूँ, मीरा जी मेरी है, आई मीन मेरी प्रेजेंस में ये कहीं गलती तो नहीं कर रही है। यू गो टू योर सीट, गो बैक, अदरवाइज मैं करिश्मा मैडम को बोल के तुमको सस्पेंड कर दूंगा। जा रहे हो गया ना आपका, मरवा दिया नहीं भी लौटा संतू जी। और गलती से भी मीरा मैडम को पता चल गया ना कि वो फुटेज में सपना के साथ आप थी, तो बाप रे कांड हो जाएगा। तुझे टेंशन नहीं हो रही क्या? तू भी तो था संतू जी। हमको हमारा फिक्र नहीं है संतू जी, हमको आपका सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच कर हमारा कलेजा फटा जा रहा है। अरे मगर मीरा मैडम को रोकेंगे कैसे, वो भी करिश्मा मैडम के ऑर्डर के बिना, वो तो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगी। एक आइडिया है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए ना तो वो तुरंत रुक के आ जाएंगे। इमरजेंसी? हमें हार्ट अटैक आ रहा है, इमरजेंसी, बुला उनको, बुला। पुष्पा जी मशीन है, वो एक सेकंड में स्कैन करके बता देंगे कि आप नॉटिंग की कर रही हैं। लाइट को क्या हुआ? हाँ चीता क्या कर रहे हैं? अरे तुम बचाओ वरना तुम भी चिपक जाओगी। इतना क्या सीरियसली ले लिया, बेवकूफ है क्या? तो मैं हूं ना, मुझे बताओ ये क्या है, इसको ठंड लग रही है, झप्पी पा ले निठल नहीं। बिल्ले तुझे करंट लगा है तो बोला क्यों नहीं? करंट में हंस रहा है निठल्ला। मीरा मैडम जल्दी आइए, इमरजेंसी यहाँ पे। मेरे जी को बुलाओ, ऐश होने से पहले बचा लो मीरा जी। मीरा जी देख क्या रहे हो, स्कैन मत करो बच्चा, नहीं तो सिर्फ ऐश स्कैन में आएगी। मीरा जी बच्चा, मीरा जी। तो करंट अच्छा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।